अब JNU पर बनेगी फिल्म, रवि किशन और उर्वशी रौतेला निभाएंगे ये रोल, जानिए कब होगी रिलीज। बी टाउन एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को बड़े पर्दे पर वापसी करते देखने के लिए फैंस काफी बेताब है। इस बीच अदाकारा की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम JNU यानी जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है और इसके साथ ही रिलीज डेट की जानकारी भी दी गई है। सनी देओल की फिल्म सिंह साहब दी ग्रेट से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अदाकारा उर्वशी रौतेला को भला कौन नहीं जानता है। मौजूदा समय में उर्वशी इंडस्ट्री की फेमस अदाकाराओं में से एक मानी जाती है। अपनी ब्यूटी के साथ साथ कमाल की एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। इसी बीच उनकी अगले फिल्म की घोषणा हो गई है, जिसका नाम JNU यानी जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। इस मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। JNU में उर्वशी के साथ रवि किशन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी मुद्दे पर हिंदी फिल्में बनती रहती हैं। इस बार बारी JNU की है, जिसको लेकर डायरेक्टर विनय शर्मा मूवी लेकर आने वाले हैं। फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श की तरफ से इस मूवी के बारे में ताजा जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और रिलीज डेट को ऐलान कर दिया गया है। इस पोस्टर में एक हाथ भारत के नक्शे को दबोचे हुए है, जबकि उस पर लिखा है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है। फिल्म के इस पोस्टर को देखकर इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि इसमें कॉलेज की राजनीति को दिखाया जाएगा, जिनमें उर्वशी रौतेला और रवि किशन जैसे कलाकार यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। उर्वशी रौतेला और रवि किशन के अलावा JNU फिल्म में कई अन्य कलाकार नजर आने वाले हैं, जिनमें पीयूष मिश्रा, सिद्धार्थ बोधके, सोनाली सहगल, रश्मि देसाई और विजय राज जैसे कई सेलेब्स अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो 5 अप्रैल 2024 को JNU बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है।